नंदिनी आंटी, क्या सोच रही हैं आप? प्रिया को आशीर्वाद देंगी सदा सुखी रहने का? तुमने देखा नहीं कि वो कैसे देख रहा था? कैसे देख रहा था? राम मुझे हमेशा वैसे ही देखता है जैसे मेरे सिवा उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। खुशफहमी की शिकार हो तुम वेदिका, तुम वही देख रही हो जो तुम देखना चाहती हो। तो ठीक है, फिर मैं खुशफहमी में रह लेती हूँ और आप प्रिया को बहू मानकर उसके और राम के प्यार की छाया में रह लीजिए। वन बिग हैप्पी फैमिली, कपूर फैमिली। वेदिका, मैंने ये नहीं कहा कि मैं हार मान चुकी हूँ, और वो भी उस प्रिया से। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करो। सच अगर तुम्हारे सामने है तो उसे मुंह मत फेरो, क्योंकि नुकसान होता है और यहाँ पर नुकसान तुम्हारा हो रहा है। आप किस सच्चाई की बात कर रही हैं आंटी? कि राम प्रिया से प्यार करता है। I don't believe this. इतने सालों से एक तरफा प्यार वो जो तुमसे करता आया है, इतनी शिद्दत से वो अब प्रिया से करने लगा है। और पता नहीं ये एक तरफा प्यार कब दोनों तरफ से शुरू हो जाए। मैं इतना जानती हूँ कि फिलहाल ये रिश्ता सिर्फ रिस्पेक्ट, आदर, कदर, इन सब पर टिका हुआ है, लेकिन उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है। ये कब चेंज हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये सच्चाई अगर तुम देख नहीं सकती ना, तो तुम बेवकूफ हो। मॉम, आई डोंट थिंक सो। वेदिका राम भाई के लिए वो चीज है जो उन्हें कभी मिल नहीं सकी, इसलिए दीवाने उसके लिए। शुभू प्लीज, हाँ रिश्तों के मामले में तुम तो चुप रहो, इट्स बेटर। मैं तुम दोनों से फिर कह रही हूँ, ये सच्चाई हमारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, मेरे लिए अच्छी नहीं है। यू नो व्हाट आंटी, मुझे आपकी ये कड़वी बातें ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। यू आर रॉन्ग। राम ने हमेशा मुझसे प्यार किया और हमेशा करता रहेगा। वेदिका, क्या हो गया आपको? शुभो, तू मुझे जानता है और ये भी जानता है कि राम मुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा मानता है ना? और ये रोल मैंने भी बखूबी निभाया है, करेक्ट? सौतेली माँ होने के बावजूद मैंने हमेशा राम का साथ दिया है, करेक्ट? और अब वक्त आ गया है इस तुरुप के इक्के को यूज करने का। शुभो, वेदिका की तरह मत सोच, मेरी तरह सोच। प्रिया के इस एक एक्सीडेंट ने राम को उसकी जिंदगी में उसे सबसे बड़ा ओहदा दे दिया है। राम उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो सब कुछ याद आ गया है राम को, जब वो सब कुछ खोने वाला था। अब वो प्रिया को खो नहीं सकता। मैंने देखा है उसकी आंखों में, मैंने देखा है शुभो, वो डर। अगर प्रिया उसकी बाहों में दम तोड़ देती ना, तो पता नहीं क्या होता। सर, सारी चीजें वैसे ही बनी है जैसे राम सर को पसंद है, पर आपको तो पता ही है कि उन्हें भाभी का बनाया हुआ इंतजार रहता है नाश्ते का। हाँ यार, क्या करे तरुण, अभी वो नहीं बना सकती ना। यार इतनी गर्मी क्यों है यहाँ, एसी नहीं चल रहा है? सर कैसे हैं आप? मैं कैसा हूँ, तू एक काम कर, जाते वक्त हॉस्पिटल स्टाफ को बोलना कि यहाँ का एसी नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है। मैं अभी बोल रहा हूँ। भूख भी लग रही है मुझे, बैठना तो खड़ा क्यों ले ले, जल्दी हटाना यार तरुण, जल रही यार, इसको इसके ऊपर बैठू मैं क्या? क्या हो गया तुझे आज के लिए यार, काम नहीं करा, गर्मी लग रही है तू। जल्दी जल्दी जा, आएगा? नहीं निखा, एक बात बता, तू मंदिर चल के गया था तभी तो तुझे गर्मी नहीं लगी थी। यार प्रिया के लिए गया था ना, तो गर्मी क्यों लगेगी? अच्छा सुन, तूने जो उसको आई लव यू बोला था उसने सुना था ना? यार अभी जो मेरी उससे बात हुई, मुझे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद उसने बच गए। तो तू अब क्या सोच रहा है, बोलना उसको फिर से एक बार। नहीं आदि, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि ये जो एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट था भी या कुछ और। क्या मतलब? What? एक मिनट, तू कह रही है कि ये सब पापा ने? Oh my God, उम्र भर शर्मिंदगी रहेगी सारा दिन कि उस आदमी को अपने पापा कहना पड़ता है। अगर मैं बीच में नहीं आती तो तू ये यकीन के साथ कह सकती है? ये बात उतनी ही सच है जितनी ये कि उनका खून हमारी रगों में दौड़ता है, कि मैं उनकी बेटी हूं, और अगर
मिस्टर कपूर को ये बात पता चली तो वो शायद मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। प्रिया, तो यार वो कभी एक अच्छे पति नहीं बने ना ही एक अच्छे पिता बन सके, लेकिन वो किसी का खून करने का सोच भी सकते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। I can't believe it. कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? आधी डैड के साथ यही हुआ ना, हादसा हुआ था और उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ तो प्रिया वहां थी, भले ही मुझसे लड़ने आई थी लेकिन उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे बचाया। आदि मुझे नहीं पता मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ या नहीं, लेकिन अगर 1% भी चांस है कि ये महज एक्सीडेंट नहीं था, मेरा फर्ज बनता है पता लगाने का कि किसने किया और क्यों, प्रिया के खातिर। अगर माँ को पता चलेगा तो अभी तो क्या करना चाहती, क्या कर सकती हूँ सारा दिन? मिस्टर कपूर मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, मुझे इतनी हिम्मत दे रहे हैं, उनकी आंखों में मुझे अपने लिए डर दिखाई दे रहा है, कैद दिखाई दे रही है सारा थी। हाँ, वो हमें भी दिखाई दे रहा है। तुझे पता है राम तेरी सलामती के लिए पैदल मंदिर तक हुआ है, और मेरे पिता ने सारा थी, हमें पता लगाना पड़ेगा कि उन्होंने ये क्यों किया है, क्योंकि ये उनकी सोच तो नहीं हो सकती ना, ये किसी ने करवाया होगा उनसे। मतलब वो बिना वजह मिस्टर कपूर पे अटैक क्यों करेंगे सारा दी? कोई तो बड़ी बात होगी मुझे लगता है। मैं बात करूं उनसे? उन्होंने देख लिया है एक्सीडेंट के वक्त कि मैंने उन्हें देखा है, इसलिए वो फोन तो नहीं उठाने वाले, लेकिन मैं भी चुपचाप बैठने नहीं वाली हूँ। मिस्टर कपूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उन्होंने, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी, छोड़ूंगी नहीं उनको। पर प्लीज अभी हम ये किसी को नहीं बताएंगे, ऑलरेडी अकीश शिवीना की वजह से सब लोग परेशान हैं, खासकर मिस्टर कपूर और माँ, तो अभी हम नहीं बता सकते नहीं, उनको नहीं बताएंगे, हाँ, बताएंगे। मिस्टर कपूर, मैं एक ही शर्त पे उन्हें घर ले जाने की परमिशन दे सकता हूँ, यदि आप अपने घर पे हॉस्पिटल के जैसा सेटअप करें, और याद रहे उन्हें किसी भी बात का कोई एक्सर्शन ना हो। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आई विल मेक श्योर प्रिया को ना घर पे बेस्ट होम ट्रीटमेंट मिले, और इनफैक्ट एक बार प्रिया घर आ जाएगी हम सब घर पे उसके साथ होंगे ना, आई एम श्योर वो ऑलरेडी बेटर फील करेगी, और मैं ये भी मेक श्योर करूंगा कि उसकी फिजियोथेरेपी जल्द से जल्द शुरू हो जाए, मैं खुद जाऊंगा और एंड उसके दिमाग पे ज्यादा जोर ना पड़े, उसे बेस्ट न्यूट्रिशन मिले। अभी तो आपने कहा था मेरे पति ठीक है, ऐसे कैसे कह दिया आपने मेरे पति मर गए, अभी तो वो ठीक थे, मेरी बात करवा उनसे। थैंक्स टू हिम मिस्टर कपूर एंड थैंक यू स्टार्स, हर कोई आप जैसा खुशनसीब नहीं होता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।